हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सर्वनायक सीरीज की एक शानदार कॉमिक्स स्थापत्य खंड, जो सर्वनायक स्थापत्य खंड सीरीज की पहली कॉमिक्स है। अभी सर्वनायक सीरीज के कई पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, और एक सर्वनायक विस्तार सीरीज भी चल रही है। ये उसमें एक अलग से एक सीरीज है सर्वनायक स्थापत्य खंड की, जिसमें कुछ सुपर हीरोज़ के ओरिजिन और उनके बारे में बताया गया है। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शानदार कॉमिक्स शुरू करते हैं, सर्वनायक स्थापत्य खंड। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। इस पे जो है एक तरफ है विनाश दूत, गगन, वक्र, लीजा, जादूगर, वेगा, अभेद्य, महाबली चोंगा, युगम, टेन डेड लिस्ट, भूतनाथ। लेकिन कुछ सुपर हीरोज़ इसमें मुझे अभी पहचान में नहीं आ रहे उनके, क्योंकि इसमें जितने कवर पृष्ठ पे सारे सुपर हीरो दिखाए गए हैं वो सब इसमें हैं नहीं, अभी उन सबको इन कॉमिक्स में नहीं लिया गया है। तो चलिए आगे हमें पता लग जाएगा। तो सर्वनायक स्थापत्य खंड शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वनायक स्थापत्य खंड, ब्रह्मांड रक्षक या आभार पत्र है, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। इसमें सर्वशक्तिमान भीमकाय, अडिग, अज्ञात, अघोरी और टेन डेड लिस्ट के बारे में आएगा, साथ में जोंगा, भूतनाग, विलीजा, वेद भी हैं इसके अंदर। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल ओनली राज कॉमिक्स। युगम धरित्री अस्य सर्वनायक, एक युग एक युद्ध, स्थापत्य खंड, प्रथम अध्याय। मैं कॉमिक्स हूँ, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। युगम धरित्री अस्य सर्वनायक स्थापत्य खंड, प्रथम अध्याय। युगम धरित्री अस्य, मित्रों मैं हूँ समय का प्रतिपालक युगम, और यह है मेरी सहयोगिनी अवधि। युग परिवर्तक सर्वनायक प्रतियोगिताओं के माध्यम से आप मुझसे अब तक भलीभांति परिचित हो चुके हैं, किंतु सर्वनायक प्रतियोगिताओं से जुड़े विस्तृत घटनाक्रमों में आपके ब्रह्मांड अथवा आपके ब्रह्मांडों के अतिरिक्त आयामों और अनंत समांतर ब्रह्मांडों से ऐसे कई वीर पराक्रमी महानायक व नायिकाएँ धरती पर आपके समय काल में आए हैं, जिनसे अभी तक आपका भलीभांति परिचय नहीं हो पाया। यह मेरे दायित्व है कि इन सभी वीरों से और उनकी उत्पत्ति से मैं आपका परिचय करवाऊं। इस सर्वनायक आधार श्रृंखला के माध्यम से आप ऐसे सभी पुराने नायकों की उत्पत्ति से परिचित होंगे। सर्वप्रथम आपके समक्ष जो तीन महानायक आ रहे हैं, वे तीनों अपने आप में अकेले ना होकर विशाल सेनाओं के समान हैं। आइए उत्पत्ति परिचय लेते हैं। सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग, अज्ञात अघोरी और वह संजू और उसके टेन डेडलिस्ट दल का, कौन हूं मैं, यह को स्थान कौन सा है, मैं यहां कैसे आया, यह युग कौन सा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह प्रश्नकाल मेरे मस्तिष्क में अनंत काल से घूम रहे हैं, जैसे यह प्रश्न मेरे अस्तित्व का ही एक अभिन्न अंग हो। मेरा अस्तित्व जो मुझे दो हिस्सों में बटा प्रतीत हो रहा है, जो मेरे जैसे मेरे शरीर में अकेला वास नहीं कर रहा है, कोई और भी है जो मेरे शरीर में बसता हो, या फिर मैं किसी और के शरीर में रह रहा हूँ। वर्ष 1990, कल रात अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समीप गिरा रहस्यमय उल्कापिंड वैज्ञानिकों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। जाने माने खगोल शास्त्री व पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर इफ्रित विकराल अपनी रिसर्च एंड सर्वे टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। ऐसा अंदेशा बताया जा रहा है कि यह उल्कापिंड एक बड़ी क्रांतिकारी खोज का कारक बनने जा रहा है। रिंग 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 रिंग। हाय अनुज, प्रोफेसर इफ्रित विकराल हेयर। प्रोफेसर, अभी मैं टीवी पर आपके बारे में न्यूज़ देख रहा था, आप तो उस उल्कापिंड को खोजने अंडमान गए हुए हैं ना। मैं इस समय निकोबार द्वीप समूह के एक बेहद छोटे द्वीप दाशवन से बोल रहा हूँ।
वहाँ फ़ोन काम कर रहा है, आने वाले 10 सालों में यह सैटेलाइट फ़ोन विश्व में बहुत बड़ी संचार क्रांति लाएंगे। हाँ, पॉइंट नोटेड प्रोफेसर। एनीवे, हाउ इज़ द एक्सपीडिशन गोइंग? उल्कापिंड मिला क्या? इसलिए तो फ़ोन किया है, उल्कापिंड मिल गया है। साथ ही उसके सीने में दफन एक ऐसी कड़ी मिली है जो हमारे बीते हुए कल से जोड़कर हमारे आने वाले कल की दिशा बदल सकती है। ऐसी कौन सी कड़ी मिली है प्रोफेसर? फ़ोन पर बता पाना मुनासिब नहीं है अनुज। रिसर्च टीम एक हेलीकॉप्टर में तुम्हें लेवाने भेजा है। आई वॉन्ट यू कम टू हेयर माई बॉय एज सुन एज पॉसिबल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन, अब देखिए किर्र। अविश्वसनीय है, अब तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा प्रोफेसर कि यह उल्का पिंड असल में एक फॉसिल है, यानी कि एक जीवाश्म। सिर्फ इतना ही नहीं अनुज, मानव संरचना वाला यह 20 फुटा जीवाश्म युगों पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित दैत्यों और दानवों की एक खोई कड़ी भी साबित हो सकता है। मैं समझा नहीं प्रोफेसर, इस जीवाश्म चट्टान पर जरा पास से नज़र डालो अनुज। यह तो दान तक लिपि है, प्राचीन काल में दानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। मैं इसी लिपि पर तुम्हें शोध कर रहा हूँ। अब समझे तुम्हें यहाँ बुलाने का असली मकसद? एक बात समझ नहीं आई प्रोफेसर, यह चट्टान तो अंतरिक्ष से आई है, इस पर मौजूद यह जीवाश्म और लिपि क्या है? बात के घोतक ये इस बात के घोतक हैं कि जिन दानवों का उल्लेख हमारे पुराणों में है वे अंतरिक्ष में मौजूद किसी और ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं, या फिर हजारों साल पहले ही किसी दूसरे ग्रह पर भेज दिए गए थे। तभी तो मानव सभ्यता से पहले पृथ्वी पर राज करने वाले सरीसृपों के जीवाश्म व अन्य उत्पत्ति के सबूत पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परंतु मानव सभ्यता के साथ ही आए दानवों की उत्पत्ति या सभ्यता के सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही उल्लेख मिलते हैं, कभी इनके जीवाश्म या कोई और प्रमाणिक साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। वैसे यह सिर्फ मेरी थ्योरी मात्र है, मैं सही हूँ या गलत इसका पता शायद इस लिपि को ही डिकोड करके पता लगाया जा सकता है। चट्टान पर यह लिपि इस प्रकार से उकेरी गई है जैसे इसने स्वयं ही फॉसिलाइट होते हुए इसे चट्टानों पर कुरेद कर लिख दिया गया हो। इस लिपि को डीकोड करो अनुज, यदि पौराणिक सभ्यताओं के हमारे इतिहास के इस रहस्य को हम दुनिया के सामने लाने में सफल हो गए तो हमारा नाम भी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रोफेसर। इस कंप्यूटर मशीन से रिसर्च रिक्रिप्चर डीकोडिंग के जटिल कार्य को काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। इस दानव ने मरते वक्त अपनी जीवन गाथा चट्टान पर उकेरी है, इस पृथ्वी से ही आया आज से हजारों वर्ष पूर्व, द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ से। त्राही त्राही, हाँ, यह कलयुग का आरंभ है, यानी दानवों के युग का आरंभ। अब पृथ्वी पर राज करेंगे सिर्फ बाहु दानव, मानव हमारे दास बन जाएंगे जो कि हमारी शुद्धाग्नि शांत करेंगे, चाहे वो उधर की हो या वासना की। हाँ, रूप यौवन के तो बाहु दानव हमेशा से ही रसिया रहे हैं, भ्राताशी इस नवयौवना रूप के अमृत ने भूख और प्यास दोनों भड़का दिए। हाँ हाँ, तो फिर विलंब कैसा, आगे बढ़ो और आत्मतृप्ति कर लो। सावधान दानवों, मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूँ, स्वर्ग की अप्सरा सोनाक्षी हूँ। यदि मुझ पर कुदृष्टि डाली तो इंद्र के वज्रों का ग्रास बन जाओगे तुम सब। इंद्र और उसके वज्र को भी देख लेंगे, पहले तुझे देख लें जी भर के। हाँ हाँ, रक्षा करो, कोई रक्षा करो। हाँ हाँ, हम दानवों से भला कौन रक्षा करेगा तेरी? किसमें इतना साहस है कि दानव के मुख के ग्रास छीन सके? क्या स्वर्ग में वास करने वाले देवगण दानवों से भयभीत हो गए हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिशक्ति भी मूक दर्शक बनी है, एक स्त्री का अपमान होते देखती रहेगी? क्या समस्त ब्रह्मांड में एक भी वीर पुरुष शेष नहीं है जो नारी सम्मान की रक्षा कर सके? धप, क्या सृष्टि वीरों से पूर्णतः खाली हो गई है? धाड़, बाहु दानव कुमार अडिग, तेरा इतना साहस कि तू बाहु दानवों के कारण हस्तक्षेप करे? कड़ा दंड देंगे तुझे इस धृष्टता का, दंड तो तुम सबको मिलेगा बाहु दानव भ्राताओं। मानवों की बस्तियां, उनके नजर, उनके नगर, उनके घर उजाड़े तुमने, उनको अपने पैरों तले रौंदा, उसका सामूहिक नरसंहार किया, उन्हें अपना ग्रास बनाकर उनका भक्षण किया। और तुम्हारा सबसे जघन्य अपराध यह है कि तुम नारी को अपमानित करने की कोशिशा की है, उसका दंड अडिग तुम्हें अवश्य देगा। नीच दानवों का यह दुस्साहस कि अप्सरा सुनाशी को अपमानित करने की चेष्टा करें, हम इनका सर्वस्व मिटा देंगे। भगवान कृष्ण के रूप में
पृथ्वी पर श्री हरि विष्णु के भगवान का जीवन काल पृथ्वी पर समाप्त हो चुका है। उनके महापरिनिर्वाण के साथ ही कलयुग का आरंभ हो गया है। दानवराज कली के युग के आरंभ और पृथ्वी पर किसी भी रक्षक शक्ति के ना होने की वजह से दानवों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। देवराज, दानवों की उद्दंडता कदापि सहन नहीं की जाएगी। मुनिवर, पृथ्वी पर एक भी दानव शेष नहीं जाएगा। यह ना भूलें देवराज कि जब हम रक्षा की गुहार लगा रहे थे तब सभी देवगण, देवानिदेव और देवगण सनादिक वीरों में से कोई भी हमारी पुकार सुनकर नहीं आया। दानवों ने रक्षा करने के लिए एक दानव ही आया। देवी सोनाक्षी सत्य कह रही है, देवराज समस्त दानव जाति को एक समान दोषी मानना उचित ना होगा। दानव जाति दो कुटुंबों में विभाजित है, बाहुदानव और बाहुदानव। बाहुदानव शांति प्रिय हैं, मानवों के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं, जबकि बाहुदानव तामसिक प्रवृत्ति के हैं। बाहुदानवों से देवी सोनाक्षी की रक्षा बाहुदानव कुमार अडिग ने की थी। वैसे देवी सोनाक्षी की पुकार पर आपकी रक्षा हेतु क्यों नहीं पहुँचे देवराज? हाँ, हम आ ही रहते मुनिवर, कुछ आवश्यक कार्य के कारण विलंब हो गया। नारायण नारायण। नारी के मान की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कार्य था, बताने की कृपा करेंगे देवराज? हम तुम्हें यह नहीं बता सकते सोनाक्षी, परंतु हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारे अपराधी दानवों को दंड अवश्य मिलेगा। परंतु कैसे देवराज? कलयुग में दानवों का समूल नाश असंभव है, आप ही को युक्ति बताएं मुनिवर। बाहुदानव मात्र देवी सोनाक्षी के ही नहीं, अभी तो मानवों के भी दोषी हैं जिनका उन्होंने नरसंहार किया है। पृथ्वी और मानव जाति की दानवों को से रक्षा करने का एक ही उपाय है, पृथ्वी पर एक भी दानव ना रहे। परंतु मुनिवर, अभी आपने ही कहा था कि कलयुग में दानवों का समूल नाश असंभव है। बिल्कुल सत्य कहा था, दानवों का समूल नाश नहीं हो सकता, परंतु देवराज उन्होंने पृथ्वी से तो दूर किया ही जा सकता है। ओहो, मैं आपका प्रयोजन समझ गया मुनिवर। नारायण नारायण। आओ मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार शुभ है प्रभु, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है। बाहुदानवों पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है अडिग, यदि ऐसा न किया तो मानवों का पृथ्वी पर रहना दूभर हो जाएगा। बाहुदानवों के कुकृत्यों का छींटे हमारे दामन पर भी लगते हैं। मानव हमें भी उनकी तरह अत्याचारी मानकर हमसे घृणा करते हैं, जिसके कारण हमें वनों कंदराओं व निर्जन स्थानों पर छिप छिप कर रहना पड़ता है। बाहुदानवों पर प्रहार करके का दंड अडिग समय समस्त बाहुदानवों को चुकाना होगा। मानवों का साथ देकर वैसे ही बाहुदानव दानव जाति को कलंकित कर चुके हैं, आज इस कलंक को हम सदैव के लिए मिटा देंगे। दानव कुमार, बाहुदानवों का विशाल झुंड हम पर आक्रमण करने के लिए इसी ओर अग्रसर है, अपने अपने हथियार उठा लो भ्राताओं। आक्रमण कड़ुम बड़ुम बड़ुम। खंडा की शक्ति धरती को भी कई खंडों में विभाजित कर सकती है, धरती चीर कर बाहुदानवों को पाताल में दफन कर देगा। खंडा, उससे पहले हम तुझे खंड खंड कर देंगे। खंडा, हा हा, चेष्टा करके देख लो, तुम्हारी शक्ति हथियारों में इतनी शक्ति नहीं कि खंडा को खंडित कर सकें। खचाक, परंतु खंडा का मुष्ट प्रहार तुम्हारे शरीर सूक्ष्म कणों में विखंडित अवश्य कर सकता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने दानवों को पृथ्वी का सर्वशक्तिशाली प्राणी बनाया ताकि हम अन्य प्राणियों मानवों में पृथ्वियों की रक्षा कर सकें, ना कि शक्ति के मद में चूर होकर उनका विनाश करने लगें। हाँ, खंडा की शक्ति अविजित है, सर्वशक्तिमान है खंडा। शक्ति प्रदर्शन का बहुत शौक है ना तुझे खंडा? अडिग तुझे अपनी शक्ति जरूर दिखाएगा। लोक खंडा, तेरे शक्ति के मद और तेरे शरीर के दोनों को, शरीर दोनों ही अडिग को खंडित करता है। उफ, रुक रुक कराते भूकंप पृथ्वी पर सर्वनाश बना रहे हैं, महाप्रलय है ये, पृथ्वी का अंत निकट है। किसने दुस्साहस किया ऋषि योगी की तपस्या को भंग करने का? कड़ा दंड मिलेगा उन्हें। समस्त पृथ्वी सूखे पत्ते की तरह कांप रही है, कैसा कोलाहल है यहाँ। अपनी योग शक्ति से मुझे इसके कारण का पता लगाना होगा। ओहो, तो ये हैं दुष्ट दानव हैं, इस तबाही के कारण इनका युद्ध पृथ्वी पर प्रलय ला रहा है। तो अपने कुटुंब नाश हेतु तैयार हो जाओ भ्राता। ठहरो नराधम, बंद करो ये कोलाहल।
तुम दानव इस लायक नहीं कि इस पृथ्वी पर वास करो। मैं समस्त दानव जाति को श्राप देता हूँ कि यदि कल सूर्योदय से पूर्व दानवों ने पृथ्वी नहीं छोड़ी तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। यही नहीं, कल सूर्योदय के पश्चात यदि किसी दानव ने कभी भी पृथ्वी पर दोबारा पग धरने की कोशिश की तो वह उस समय भस्म हो जाएगा। क्षमा ऋषिवर क्षमा, पृथ्वी हमारा भी घर है, भला हम पृथ्वी छोड़कर कहाँ जाएंगे। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसे उखाड़ फेंकना आवश्यक हो जाता है। कमान से छूटा तीर और जीवा से निकला सांप कभी वापस नहीं लौट सकते। अपनी शक्तियों का विध्वंसक प्रयोग कर पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों व अन्य जीवों के प्राण संकट में लाने का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, दानवों को अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। मैं समझ दानव जाति को अपनी यौगिक शक्ति से पृथ्वी से लाखों योजन दूर एक निर्जन ग्रह पर भेज सकता हूँ जहाँ की प्राणवायु वातावरण पृथ्वी के ही अनुकूल हैं। तुम सभी दानव उस ग्रह पर जाकर अपनी अलग दानव सृष्टि बसा सकते हो। हमें स्वीकार है ऋषिवर। इसमें आप एक ध्यान से देखेंगे तो पीछे के नागराज जैसा लुक दिख रहा है उसमें एक दानव का। ओहो, तो ये कारण है कि दानवों के पृथ्वी से गायब होने का। लाखों वर्ष पूर्व भी दानवों को ऋषि यौगिक ने पृथ्वी से दूर एक निर्जन ग्रह पर भेज दिया था, लेकिन इस दानव की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। इस लिपि के द्वारा कुछ और ही बताना चाहते हैं। अग्निपुंज समान ज्वलंत एक उल्कापिंड ऊर्जा कवच से टकराया और उसने ऊर्जा कवच को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, एक निर्जन ग्रह पृथक की ओर। यह एक ऐसा ग्रह है यहाँ ना तो वन है, ना वनस्पति, ना जीव, ना जंतु। यहाँ हमारे जीवित कैसे रहेंगे? भोजन के अभाव में कुछ ही देर में हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऋषि यौगिक ने छल किया है दानवों से, पृथ्वी के समान वातावरण वाले ग्रह पर बसाने का प्रलोभन देकर हम निर्जन ग्रह पर मन ने भेज दिया हमें। पृथ्वी पर रहते तो साप के प्रभाव के कारण सूर्योदय उपरांत दानव भस्म हो जाते, यहाँ भूख से मरेंगे। अच्छी चाल है, मानव ऋषि यौगिक के साथ मिलकर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। दानव भ्राताओं, उल्का पिंड के टकराने से ऊर्जा कवच की दिशा परिवर्तित हो गई है, हम गलत ग्रह पर आ गए हैं। यह सब तेरे ही किए का परिणाम है। तुम बाहु दानव मानवों के बड़े हितैषी बनते थे ना, उन्हीं मानवों ने हमें मृत्यु के आगार पर लाकर खड़ा कर दिया। रक्षा करो भ्राताओं, यह चट्टाने हमें निकल नहीं है। आह, इनकी जकड़ इतनी शक्तिशाली है कि हम चाहकर भी खुद से इन्हें खींचने से रोक नहीं पा रहे। हर, यह कैसी माया है? ग्रहों की चट्टाने जीवित होकर दानव भ्राताओं को अपने भीतर समा रही हैं। यह नरभक्षी चट्टाने हैं, यह सारा ग्रह नरभक्षी चट्टानों से भरा हुआ है और हम सभी इनका आहार हैं। नहीं अटेगा, ऐसा नहीं होने देगा, खील खील कर डालेगा इन चट्टानों को। हर, धड़ाक, पूरे दानव कुटुंब को निकल जाएंगे नरभक्षी चट्टाने, नहीं छोड़ेगा अटेगे ने। हम्फ, कंकड़ों में बदल देगा अडिग तुम्हें शैतानों। हम्फ, नहीं यह नहीं हो सकता, यह अंत नहीं हो सकता। धड़ धड़ धड़ाक, यानी यह प्राकृतिक पद्धति से बना जीवाश्म अंतरिक्ष से आया एक उल्का वास्तव में सुदूर ग्रह नरभक्षी चट्टान है जिसे अडिग नामक बाहुदावन कुमार को अपने भीतर समा लिया था। शिला पर इतनी इबारत कुदेरते हुए है, शायद अडिग पूर्त शिला में समा गया, इस कारण आगे का वृत्तांत शिला पर नहीं है, पर इसमें एक हल्की सी ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है कि इस फॉसिल के शरीर पर मौजूद आभूषण जो कि ऐसे चमक रहे हैं बिल्कुल नए हों। इसके दोनों हाथों के कड़ों की दांतक लिपि में कुछ लिखा है, इसे डीकोड करना होगा। धनु पुत्रा या पुनः जागृतामी, इसका अर्थ हुआ कि धनु के पुत्र पुनः जी उठेंगे। यह क्या मंत्रोच्चारण के साथ ही इस स्थान से रेडिएशन जैसी अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी है, यह क्या हो रहा है? उफ, इससे निकलती ऊर्जा तो बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है जैसे बाकी चट्टान ब्लास्ट हो जाएगी। मुझे बाकी को जगह लोगों को जगाना होगा। बूम बूम, छपाक, वर्तमान, प्रश्न अभी भी कई ऐसे हैं जिनका उत्तर ढूंढना बाकी है, परंतु मेरा हृदय बार बार मुझे चीख चीख कर कह रहा है कि यह कहानी का अंत नहीं है, यह प्रारंभ है। सर्वशक्तिमान भीम का है, अंत का प्रारंभ, युगम धरित्री अस्य
सन 1990 में पुरातत्ववेता अनुज शर्मा ने आकस्मिक ही धनु पुत्र को ऋषि यौगिक के शाप से मुक्त करने का षड्यंत्र मार्ग दे दिया था। फिर यह सब समय का पुनर्निर्धारित षड्यंत्र था। इस घटना के 2 दशक से अधिक बीत जाने के पश्चात सर्वशक्तिमान भीमकाय अडिग ने समुद्र का सीना चीरकर पुनः धरती पर कदम रखा ही या अंततः हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात मैं पुनः धरती माता की शरण में आने में सफल हुआ। परंतु शीघ्र ही अडिग को एहसास हो गया कि उसे पुनर्जीवन समय ने विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान किया है। अडिग के धनु भ्राता पाषाण राक्षसों के रूप में धरती पर आगमन कर रहे थे। यह प्रारंभ है सर्वनाश का प्रारंभ। मेरे श्रापित भ्राताओं को किसी मायावी शक्ति ने पुनः धरती पर खींचा है, अन्यथा महर्षि यौगिक के श्राप के रहते मेरा और इनका धरती पर आगमन असंभव था। यह मानव मुझे अपना देवता समझ रहे हैं। सर्वशक्तिमान भीम का देवता, देव शाश्वत, देव शाश्वत, यह मुझे बता रहे हैं कि मैं इनका देवता हूँ, शाश्वत रूप से इन्हें बचाने आया हूँ। और यह मुझे इशारे से अपने साथ चलने को कह रहे हैं और मुझे इनके साथ इस द्वीप पर जाना होगा। सर्वशक्तिमान भीम का अडिग अपने युगों पुराना द्वंद्व एक नए युग में एक नए स्वरूप में पुनः लड़ना था और युद्ध के लिए तैयारी करनी थी। परंतु इन सब में अनुज शर्मा के अस्तित्व क्या हुआ? क्या अनुज शर्मा का अस्तित्व सदैव के लिए सागर की गहराइयों में दफन हो गया, या फिर समय ने उसके लिए भी एक नया स्वरूप और अस्तित्व तैयार किया था? देव शाश्वत, छप, सर्वशक्तिमान भीम का अडिग उस रास्ते पर निकल चुका था जो उसे आगे समुद्र मंथन और फिर अंततः सर्वनायक प्रतियोगिताओं तक ले गया। शक्ति जल के समान होती है, निर्मल, शुद्ध, शांत, किंतु अपने भीतर प्रचंड वेग समेटे हुए। शक्ति का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। जल के ही समान शक्ति भी जिस सांचे में ढाली जाए उसी के अनुरूप ढल जाती है। तूने अघोरी समाज की मर्यादा का उल्लंघन किया है निर्धम, इसका दंड तो तुझे चुकाना ही होगा। तेरी अघोर शक्तियां तो हम तो उससे छीन ही चुके हैं। परंतु अपने सदैव समुदाय व अपने गुरु के विरुद्ध जाने का कुकर्म जो तूने किया है उसका मूल्य तुझे प्राण दंड देकर चुकाना होगा। आख, जीवन और मृत्यु तो विधाता की संपत्ति है गुरुदेव। यदि बाबा काल भैरव ने मेरी मृत्यु इसी प्रकार निर्धारित की है तो तुम मुझे स्वीकार है। अक, हे काल भैरव, मेरे गुरु और बांधवों को इस कृत्य के लिए क्षमा करें। ये अक इंसान की सोच, उसकी अंतरात्मा ही किसी शक्ति के सात्विक या तामसिक बनाती है। जैसे शक्ति का प्रयोग वैसे ही उसकी प्रवृत्ति। एक अघोरी को 7 खून माफ होते हैं। शिष्य, तू अपने कृत्य की क्षमा बाबा काल भैरव से उनके समक्ष जाकर ही मांगना। मारो इस अधर्मी को, खत्म कर दो। अक, बाबा काल भैरव, इन पर दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। अक, दया करो, कृपा करो, कृपा करो। क्षमा करो। सौ वर्ष पश्चात वर्तमान, दया करो हम्फ, कृपा करो हम्फ, क्षमा करो हम्फ। फिर वही दुस्वप्न, पिछले 2 सालों से यह बुरा स्वप्न किसी अतीत के भूले साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। आखिर क्यों हर रात यह स्वप्न अंधेरे के गर्भ में छिपी हुई परछाइयों की भांति मुझे घेर लेता है? दो वर्ष पूर्व घटी घटना के पश्चात मैंने अपना शहर, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना सब कुछ छोड़ दिया था। परंतु इस स्वप्न ने मेरा पीछा ना छोड़ा। अपने अतीत के अज्ञात पन्नों से बचने के लिए इस छोटे से कस्बे में भाग आया ताकि जो कुछ भी मेरा पीछा कर रहा है उससे मैं रह सकूं अज्ञात। परंतु हल पर गुजरने के साथ मुश्किल होता जा रहा था। खट खट खट, कौन है? दरवाजा खोलो अज्ञात बाबू, मेरी बच्ची को बचा लो अज्ञात बाबू, अगर तुम उससे साथ नहीं चले तो वो मर जाएगी। आप अपनी बच्ची को किसी डॉक्टर के पास ले जाइए, कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही। बस एक बार चलकर उसे सर पर हाथ रख दो, वो ठीक हो जाएगी। बाबू, बंद करो ये अंधविश्वास, मैं किसी के सर पर हाथ रखकर उसे ठीक नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, मैं मर जाएगी अज्ञात बाबू, मुझे बागी को जीने
का इकलौता सहारा है वह। मैं कोई भगवान नहीं, मैं किसी को नहीं बचा सकता। एक माह पहले जब मैं इस गांव में पहुंचा था तब मुझे नहीं पता था कि 2 साल से मेरे पीछे लगा मेरा वह अज्ञात अतीत मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे को बचा लो, अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। जाने क्यों कोई क्यों अनायास ही पूछ बैठा मैं कि क्या हुआ इसे, सांप ने काटा है बाबू सुबक। मेरा हाथ उस बच्चे की सिर की ओर बढ़ गया। ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर से किसी और ने शब्द बोले हों, वे 3 शब्द, दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। जो हुआ मैंने नहीं किया, वह कैसे हुआ मैं नहीं जानता, क्यों हुआ मैं नहीं जानता। माँ, आज फिर अंतर्मन और दिमाग में एक द्वंद चल रहा है। लगता है आज फिर दिमाग हारने लगा है। इसे बचाना है तो माँ काली के मंदिर में 11,000 रुपये दान कर, तेरी बच्ची पर मंडरा काल तभी शांत होगा। आहा, जो कुछ भी था मेरे पास में मेरी बेटी के इलाज में खर्च हो गया, भगवान को दान कहाँ से दूँ। लो जी सुनो, भगवान को तो कुछ मत दो और उससे मांगते रहो, सब कुछ रहो। भगवान को सिर्फ भक्त के सच्चे मन की लालसा होती है पुरोहित जी, उसके धन की नहीं। यह हमारे गांव का मामला अज्ञात, तुम बीच में मत पड़ो। तुम कोई भगवान हो क्या जो मरती हुई बच्ची को ठीक कर दोगे। मैं भगवान नहीं हूँ, सिर्फ भक्त हूँ, सच्चे मन से प्रार्थना कर सकता हूँ। दया करो, कृपा करो, क्षमा करो। और फिर वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। क्यों नहीं रोक सका मैं खुद को यहाँ आने से। रक्षा, मेरी बेटी, तू ठीक हो गई मेरी बच्ची। वैद्यराज, ये लड़का गड़बड़ है, हो ना हो इसके पास काली शक्तियाँ हैं जिससे यह इन गांव वालों को प्रभावित करके वश में करने की कोशिश कर रहा है। वर्षों से तुम दोनों गांव को लूटते आए हो, आज जब एक भला इंसान गांव के वालों की मदद कर रहा है तुम लोग उस पर लांछन लगा रहे हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम दोनों की भलाई है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, चलो यहाँ से वैद्यराज। इस शहरी छोकरे का कुछ करो पुरोहित जी, वरना अभी तो रक्षा की माँ ने अपने घर से खदेड़ा है, कल को गांव वाले इस गांव से ना खदेड़ दें। सच, इस शहरी लौंडे का सच तो पता लगाना ही पड़ेगा वैद्यराज, आखिर ये चमत्कार करता कैसे है। वहाँ और रुकना ठीक नहीं था, यह तूफान इतना प्रचंड ना होता तो मैं अभी का गांव छोड़ देता। तेरे भागते कदमों की रफ्तार मेरी नसों में दौड़ते उन्माद से अधिक नहीं है लड़की। भाग कितना भागेगी, तुझे अपने शिकार के रूप में चुन चुका है और औंधड़ का शिकार दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए औंधड़ से बच नहीं सकता। आहा, अब तुझे जिस कार्य के लिए पकड़ा है वह कर लिया जाए। आहा, महाकाल औंधड़ प्रसन्न हो, भोजन का प्रबंध तो हो गया। असीमित अधोर शक्तियां के लिए मुझे देवी शमशान तारा को प्रसन्न करना है, जिसके लिए मुझे 11 कुंवारी कन्याओं की बलि देनी होगी। तू 8वीं है, नहीं अब तेरे पास सिर्फ 3 और बचाओ। जय शमशान तारा, खच्च, अब और नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना ही होगा, ऐसी किसी जगह पे जहाँ कोई इंसान ना हो। आप कहाँ कहीं जा रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो रक्षा? कल रात आप अचानक ही चले गए थे, मुझे आपको कुछ देना था। अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाओ अज्ञात भैया। कह क्यों, अरे हाथ तो आगे बढ़ाओ तब तो बताऊंगी। यह क्या है? रक्षाबंधन का धागा, आपने मेरी जान बचाई है ना अज्ञात भैया, इसलिए रुक जाओ रक्षा, ऐसा मत करो। अब तो मैं आपको राखी बांध चुकी हूँ, अब आपको हमेशा मेरी रक्षा का वचन देना होगा। हाँ, मैं वचन देता हूँ। ओहो, ऐसे नहीं मेरे सिर पर हाथ रख कर कहो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि ओहो। यह क्या दिखने लगा मुझे, अरे क्या हुआ अज्ञात भैया, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे आपको तेज बुखार है, आप बैठो, मैं वहाँ से आपके लिए काढ़ा बनवा कर लाती हूँ। हर घटना का कोई मकसद अवश्य होता है। अभी रक्षा के लिए सिर पर हाथ रखकर जो परिदृश्य मैंने देखे हैं उसके लिए मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है, मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। अरे कुछ सुना है भैया, कल रात फिर एक बच्ची लापता हो गई, 1 महीने में 8वीं बच्ची लापता हुई है आसपास के गांव से। मुझे तो मामला टोने टोटके का लगता है, या फिर कोई पागल सन की हत्यारा। हमें सावधान रहना चाहिए, मुसीबत हमारे गांव पर भी आ सकती है। जल्दी चल दीपू, अंधेरा गिरने से पहले हमें गांव वापस पहुंचना है। ओहो, लगता है तूफान भी आने वाला है। तूफान तो शुरू भी होगा दीदी, मेरा हाथ पकड़ दीपू।
दीपू दीपू कहाँ है तू? दीपू रुक जा, मैं यहाँ हूँ। दीपू तेरे लिए रुका हुआ है, देवी शमशान तारा ने भेजा है मुझे तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मेरी दीदी को कोई बचाओ हम्फ। क्या हुआ बेटा तुम्हारी दीदी को? उन्हें एक शैतान अघोरी पकड़ कर ले गया है। अघोरी? हे भगवान, सारे गांव को एकत्र करो। शक्ति हर इंसान के शरीर में वास करती है, परंतु अपनी शक्ति का बोध प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य को नहीं होने देती जिसे वह अपना बोध कराना चाहती है। जैसे अविरल जलधारा आगे बढ़ने के लिए राह ढूंढ लेती है, उसके लिए शक्ति रास्ता ढूंढती है। हाँ हाँ आखिर आ गया तू, आखिरकार तुझे आना ही पड़ा। कौन हो तुम? प्रश्न यह नहीं है कि मैं कौन हूँ, प्रश्न यह है क्या तुझे पता है तू कौन है? तेरे विचार पढ़ सकता हूँ मैं, प्रेत हूँ ना, कब तक खुद से अज्ञात बना रहेगा तू? तुम सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना हो। क्या मेरे जलते शरीर से उठती गंध भी तेरे दिमाग की तेरे दिमाग की कल्पना है? क्या इस शमशान में फैली राख तुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही? खुद को समझने की चेष्टा कर। उठा ये शमशान की राख और लगा इसे अपने ललाट पर। तेरे शरीर का तो यही तो श्रृंगार है। बोल अलख निरंजन। अलख निरंजन। शक्ति की अनुभूति सदैव दुखद नहीं होती। कभी कभी शक्ति की अनुभूति से अधिक पीड़ादायक दुनिया में दूसरा कुछ नहीं होता, क्योंकि शक्ति की यह पीड़ा इंसान का शरीर नहीं उसकी आत्मा वहन करती है। हाँ, देखा शमशान की राख ने तेरे लिए वे ज्ञान चक्षु खोल दिए जिन्हें तू अब तक नीचे हुआ था। अलख निरंजन। ज्ञान चक्षु तो खुल गए, अब शुद्धा चक्षु भी खोल, तभी तो अपने संपूर्ण अस्तित्व का निर्बाध्य आलंगन कर सकेगा। बढ़ मेरी ओर, मेरे मृत शरीर का सेवन कर। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी लपलपाती शुद्धा पर व्यर्थ काबू करने की असफल चेष्टा ना कर। देख देख तेरे कदम तो स्वयं मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हा हा प्रतीक्षा किस बात की, ले पकड़ मेरा हाथ, यही तो तेरा असली भोजन है। रुक जा नीच अघोरी, देख लो गांव वालों, आखिर तुम्हारे मसीहा का सच सामने आ गया। माथे पर शमशान की पुती राख और हाथ में जलते शव का जिस्म जिसका वे अघोरी सेवन करने जा रहे थे। अपनी तंत्र साधना से इसी कमीने ने मासूम बच्चियों को अगवा किया है। नहीं नहीं आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरिंदा, बच्चों का हत्यारा अघोरी, हम तुझे भगवान का अवतार समझते रहे और तू तो शैतान का अवतार निकला। अरे यह कमीना अपने काले जादू से ही बीमारी को ठीक करता था और अब पीठ पीछे मासूम बच्चों को अगवा कर रहा है। नहीं मेरी बात तो सुनिए, मैं कोई अघोरी नहीं हूँ, ना ही किसी मासूम की बलि दी है। युगम धरित्री अस्य, अपने वास्तविक अस्तित्व से अज्ञात अज्ञात अपने जीवन के सबसे संपूर्ण चुनौतीपूर्ण समय का सामना करने वाला था। समय जो अज्ञात को उसका अस्तित्व ज्ञात कराने, तो फिर तू आधी रात को यहाँ शमशान में चलते मुर्दे के साथ क्या कर रहा है? वह भी तब जब गांव में एक और बच्ची गायब हो रही है। सच सच बता कहाँ है, वरना तेरी चिताबी यहीं फूंक देंगे। पूरा चेहरा शमशान से पुता हुआ है और कहता है अघोरी नहीं है। यह ऐसा नहीं मानेगा, मारो साले को। यह अस्तित्व जिससे अज्ञात चाहे भी कितनी चेष्टा कर ले उसका पीछा नहीं छुड़ा सकता। अपने चेहरे पर पुती राख को उसने झाड़ने की चेष्टा की। यह क्या हो रहा है, ये सभी मूर्तियों की तरह जड़ कैसे हो गए? उस रक्तिम रात के स्याह सन्नाटे को चीरती हुई किसी उल्लू की आवाज़ वातावरण में चारों तरफ गूंज उठी। अज्ञात को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह आवाज़ उसके अंदर से आ रही हो। यह सब क्या हो रहा है, मुझे भागना होगा। उल्लूक उल्लूक उल्लूक, और फिर बेतहाशा भागते भागते अज्ञात को नजर आया वो उल्लू जिसके पंख किसी चिता के समान धधक रहे थे। वुश उफ, जलते पंखों वाला उल्लू
क्या ये सब सच है या फिर मैं पागल हो गया हूँ? उल्लूक उल्लूक उल्लूक। उस धधकते उल्लू का पीछा जैसे सम्मोहित हुआ अज्ञात स्वयं ही खिसता चला गया। यह खंडर और यह किला, यह उल्लू मुझे इस किले में ले जाना चाहता है। यह तो यहाँ तो सफ़ेद भेड़िया भी है। घने जंगलों के पार उन खंडरों के पीछे उस किले में अज्ञात के अस्तित्व के साथ कोई और भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षों से समाधि में लीन बैठा भूतनाथ। कुछ वर्ष पहले पिछले 5 सालों से जी जान से कोशिश कर रहा हूं पर अभी तक मेरा प्रयोग सफल नहीं हुआ। लेकिन अब मैं सफलता से मात्र 1 स्विच दूर हूं। हा हा, आई लव माय सेंस ऑफ ह्यूमर। घबराओ मत प्यारे बंदर, बस थोड़ा सा दर्द होगा। हा हा हा, वर्तमान कल मेरा बर्थडे है संजना, तो तुम्हें कल डिनर पर इनवाइट करना चाहता था। कल तुम मेरे साथ डिनर करोगी? धाड़। क्यों बे लूजर, तेरी इतनी हिम्मत? तू कॉलेज फुटबॉल टीम के कैप्टन रैम्बो की गर्लफ्रेंड को डिनर पर जाने का ऑफर दे? एक पंच में दुनिया गोल की है तेरी, एक किक में तुझे गोल कर दूंगा। मुझे तो पता अभी नहीं है कि ये लल्लू कौन है। लल्लू नहीं संजना, मैं सल्लू नहीं संजू हूँ। क्लास में तुम्हारे बगल वाली डेस्क पर बैठता हूँ, तो 3 साल से हर साल क्लास में फर्स्ट भी आता हूँ। संजना तुम लोग जाओ, हम जरा इस बर्थडे बॉय का हैप्पी बर्थडे मना कर आते हैं। ध्यान रहे इसे चोट ना पहुँचे। चिंता मत करो बेबी, लड़के इसे थोड़ा मजा लेकर इसे छोड़ देंगे। राइट बॉयज राइट बॉस, चल बे सिर की जू 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 नहीं, मेरा नाम संजू है। क्यों बे लल्लू, हम बर्थडे डिनर पर क्यों नहीं इनवाइट किया हमें? हम हमारे चौकटे पसंद नहीं है क्या तुझे? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कल तेरा बर्थडे है ना बेटा, हैप्पी बाला। तुझे ज़रा बर्थडे बम्स का मज़ा तो चखा दें। अरे यार जरा बर्थडे बॉय के साथ के लिए बर्थडे सॉन्ग तो गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, ई या। कान खोल कर सुन ले वे लूज़र, अब अगर अगली बार संजना के आसपास नजर आया तो तेरे बर्थडे को डेड डे में चेंज कर देंगे। आ मैं सचमुच लल्लू लूज़र हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं 21 साल का हूँ। दुनिया में मेरा एक दोस्त नहीं है। जिस लड़की को लाइक करता हूँ उसे यह भी पता नहीं है कि मैं 3 साल से उसके साथ वाली सीट पर बैठता हूँ। अपनी पुश्तैनी खंडर हवेली में अकेला रहता हूँ। पार्ट टाइम जॉब के लिए कार्गो ट्रक चलाता हूँ और अपनी सारी बातें यहाँ पर जू आकर तुम जानवरों से शेयर करता हूँ। हाँ, पिछले 3 सालों से तुम अपनी ज़िंदगी का हर पल मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया है और तुम सबने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा सुना है। पर क्या अगर तुम सब बेजुबान जानवर या होकर इंसान होते तो तुम भी लल्लू लूज़र की ज़िंदगी की बकवास यूं ही सुनते? शायद अपनी बकवास लाइफ स्टोरी की बकवास स्टोरी सुनाकर मैं तुम लोगों को भी टॉर्चर करता हूँ। अगर तुम लोग इंसानी भाषा बोल सकते तो यकीनन तुम लोग भी मुझे लल्लू लूज़र ही बुलाते। ओहो, तुम लोग भी मेरी बेवकूफ़ी पर हंस रहे हो। ठीक है, अब मैं कभी तुम लोगों पर इमोशनल अत्याचार करने नहीं आऊँगा। कल मेरा बर्थडे है और मैं अकेला ही अपने पैदा होने का मातम मनाऊँगा। आज रात सफलता मेरे कदम ज़रूर चूमेगी। न जाने इतनी कोशिशों के बाद भी हर बार मेरे एक्सपेरिमेंट नाकाम क्यों हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज या तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर ये जानवर वो 200 जानवर कहाँ गए? ग्रिल तो टूटी पड़ी है। नहीं, ये ग्रिल बात टूटी नहीं, चबाई गई है। यानी वो जानवर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे।
मेरा एक्सपेरिमेंट असफल नहीं हुआ था, मेरा एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल रहा है। वे मूर्ख जानवर समझते हैं कि जू से भागकर मुझसे बच जाएंगे, पर वो नहीं जानते कि ऐसा करके उन्होंने मेरा काम आसान किया है। हा 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 हैप्पी बर्थडे संजू। संजना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आई हो। सिर्फ केक ही नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भी है, पर उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। अपनी आंखें बंद रखना, बस यह आया तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे संजू माई ड्यूड। मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। संजना बंदर बन गई, बोलने वाला बंदर, मेरे बेड पर बोलने वाला बंदर, मेरी पप्पी भी ली। नो नो, ये सपना है, मुझे बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोना है। अबे सुन तो ले, दरवाज़ा नॉक किया किए बिना भीतर मत जाइयो। हे ईश्वर, ई दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? बोलता हुआ पॉटी करने वाला हाथी। अरे यह तो बेहोश हो गया, यह मोटा जो एयर पोल्यूशन फैला रहा है उससे हम भी जल्दी बेहोश हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात लगता है होश में आ रहा है। हैप्पी बर्थडे संजू। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? नहीं संजू, हम सब वाकई तुम्हें बर्थडे विश करने आए हैं, और आज से हम सब यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ हमेशा। तुम सब तो मेरे जू वाले फ्रेंड्स हो, तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? और तुम लोग इंसानी भाषा, हम आम जानवर नहीं हैं, हम इंसानी भाषा बोल सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमसे बातें करते हुए अक्सर तुम अक्सर इस मकान के बारे में बताया करते थे। बस हम लोग जू छोड़कर भागे और सीधे यहाँ तुम्हारे पास पहुँच गए। वाट, तो तुम लोग जू से भागकर यहाँ आयो? नहीं, परमिशन लेकर तुझे हैप्पी बर्थडे विश करने आए हैं। अबे भाग कर नहीं आएंगे तो यहाँ कैसे आएंगे? लेकिन तुम लोग जू से भागे क्यों? डॉक्टर डेडली से बचने के लिए। यह डॉक्टर डेडली कौन है? भाई शैतान, जिसने हमें आम जानवरों से 10 डेडलिस्ट बना दिया। देखो संजू, प्रकृति ने हर जानवर को एक अलग और अद्वितीय शक्ति प्रदान की है, जिसका लगभग 2% भाग ही वो जानवर प्रयोग में लाता है, शिकार या आत्मरक्षा के लिए। यदि हर जानवर अपनी आंतरिक शक्ति का पूर्णतः प्रयोग करने लगे तो इतना विध्वंसकारी बन सकता है कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सके। इसके विपरीत मनुष्य की बाकी प्रजातियों की तुलना में शारीरिक व अति विशिष्ट शक्तियाँ प्रकृति ने बेहद सीमित मात्रा प्रदान की हैं, परंतु प्रकृति ने मनुष्य को एक ऐसी ताकत शक्ति दी है जो उसे संपूर्ण शक्तिशाली प्राणी जगत का सर्वशक्तिशाली प्राणी बना सकती है, और उसका विकसित दिमाग। हाँ संजू, वह इंसान का दिमाग ही है जो उसे बाकी सभी जातियों प्राणियों से ज़्यादा शक्तिशाली और विकसित समृद्ध व शक्तिशाली प्राणी बनाता है। इंसान के जैसा मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क किसी और भी प्राणी का नहीं है। पर सोचो क्या हो कि अगर जानवरों का दिमाग भी मनुष्य जितना विकसित हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जानवर पृथ्वी पर मौजूद सबसे विध्वंसकारी शक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक, और जो इस विध्वंसकारी शक्ति को संचालित करेगा उसकी मदद से पूरी पृथ्वी पर राज कर सकता है। डॉक्टर डेडली ने इसी उद्देश्य से हमें विकसित किया है। हम दसों के पास हर वो ज्ञान है जिसे मानव सभ्यता ने आज तक अर्जित किया है। हमारी मारक शक्तियों को डॉक्टर डेडली ने एक खास सीरम की सहायता से अति विकसित कर दिया है। यानी डॉक्टर डेडली, तुम दसों की शक्तियों से दुनिया पर राज करना चाहता है। एग्जैक्टली, अगर आज हम लोग जू से नहीं भागते तो वह अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता। पर तुमने भागने की बजाय डॉक्टर डेडली को मारा क्यों नहीं? इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि जब डॉक्टर डेडली हमारे दिमाग विकसित कर रहा था तब ज्ञान के साथ साथ सही व गलत में फ़र्क करने की क्षमता भी हमारे भीतर विकसित हो गई, जिस कारण हमने यह निर्णय लिया कि हम शक्तियों का प्रयोग बुराई के लिए नहीं अच्छाई के लिए करेंगे। हम अपनी मारक शक्तियों का प्रयोग अपराधियों को काबू में करेंगे, परंतु किसी की जान नहीं लेंगे। हम डॉक्टर डेडली की जान नहीं लेते, पर उस पर अपनी शक्तियों से काबू तो कर सकते थे। तुम्हारे सवाल का जवाब भी हमारे भागने का दूसरा मुख्य कारण है। हम जानवरों के में एक खास गुण विद्वान होता है कि वो अपने पालक पर कभी हमला नहीं करते। जानवर चाहे भी तो यह सहज प्रवृत्ति उसे अपने पालक पर आक्रमण नहीं करने देती। डॉक्टर डेडली के सामने
आने जाते ही हम उनका आदेश मानने के लिए विवश हो जाएंगे। रात को हम सब पर वह आखिरी प्रयोग करने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप या तो उसे हमारी विकसित शक्तियों का पता चल जाता और हम उसका आदेश मानने को बाध्य हो जाते, फिर वो हम दसों को जान से मार देता। जब डॉक्टर डेडली मुझे तारपीडो, बाजुका, हॉक्साई, क्रशर और हायाबूसा को पकड़कर अपनी लेबोरेटरी में ले जाने जा रहा था, उसी समय हम छः उसकी लेबोरेटरी में पहुँचे। वहाँ से हमने थर्ड आई, सोनिक, लेडी गागा और हरकुलिस को आज़ाद कराया और यहाँ भाग आए। परंतु अब तो डॉक्टर डेडली को पता चल गया कि तुम लोगों पर उसके एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हैं। जू अथॉरिटीज़ भी तुम्हारी तलाश में सारा शहर छान मारेगी। देर सवेर तुम लोग पकड़े जाओगे। डॉक्टर डेडली हमारी विशेष शक्तियों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे बताने में उसका ही नुकसान है, और यह हवेली हमारे छिपने के लिए उपयुक्त जगह है। आज तो हमारे यार का जन्मदिन है। हम अपने इकलौते इंसानी यार को उसके जन्मदिन और अपनी दोस्ती का खास तोहफा ज़रूर देंगे। खास तोहफा यानी संजना के साथ एक स्पेशल बर्थडे डेट। संजना के साथ? ओ हाँ यार, अस्सी अब जानते होंगे कि तू संजना नाम की कुड़ी नु वड्डा लाइक करता है, पर उससे कहने से डरता है। हमें तुम्हारी सारी बातें समझ आती थीं, पर हम यह बात तुम पर जाहिर नहीं कर सकते थे कि हम तुम्हारे और संजना के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो तुम यह भी जानते होगे कि रैम्बो के साथियों ने मेरी कैसी धुलाई की थी। और तो और, संजना ने तो मुझे जानती तक नहीं, वो कभी मेरे साथ डिनर नहीं करने वाली। ओए फिकर नॉट याड़ी, पिछली बार तो वो लुखे तेरी चंपी इसलिए फेर गए क्योंकि हम तेरे साथ नहीं थे। मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है जिससे दिल के चमन में संजू के प्यार के फूल खिलकर महक उठेंगे। सब लोग अपने कान इधर लाओ, मेरे काटो भरे गुलदस्ते। तेरे कौन से एरिया से हम अपने कान कनेक्ट करें? जो बोलना है खुफिया पंती छोड़ और वहीं से बोल। मम्मी मम्मी मम्मी, आज सुबह पेपर में पढ़ा था कि कल रात कुछ जानवर सिटी जू से भाग गए थे, और यह शेर शायद उनमें से ही एक है जो हमारे कॉलेज तक भटकते हुए आ गया होगा। यह तो हमारी तरफ ही आ रहा है। रैम्बो कुछ करो। मैं क्या करूं, अब तो जो करना है वो शेर ही करेगा। रैम्बो हेल्प मी। अरे मैं सिर्फ नाम का रैम्बो हूँ, कोई सचमुच का सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं कि शेर से लड़का तुझे बचा लूँगा। बू भाग पप्पू पाओ, रुक जा दुष्ट। मेरे रहतू संजा को छू भी नहीं सकता, धाड़। लोग मुझे प्यार से संजू शेर मार्खा बुलाते हैं क्योंकि मैंने आज तक बहुत से खूंखार जंगली शेरों का शिकार किया है, वो भी अपने खाली हाथों से। तुझे भी खाली हाथों से मार मार कर शेर से बिल्ली बना दूंगा। अब दोबारा लौट कर मत आना यहाँ। होस्ट वाओ, आजा मेरे शेरों के शाहरुख खान, क्या अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया तूने, वाह। फटाफट संजू के इस कार्गो ट्रक में घुस जा या इससे पहले ही कोई हमें देखे। तू यहाँ है तो ट्रक कौन ड्राइव कर रहा है? मेरा पैर एक्सीलेटर तक नहीं पहुँच रहा था, ट्रक मेरा शागिर्द चलाएगा। यार हरकुलिस बाकी सब तो ठीक है, बस मुझे हर एक्सीलेटर और ब्रेक में कंफ्यूजन है। ब्रेक दाएं में है या बाएं में? अबे ये तो सिंपल है, देख ब्रेक के बगल वाला एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर के बगल वाला ब्रेक, समझा? ही वरुम ही समझ गया। अबे वो भालुओं के माइकल जैक्सन, माइकल शुमाकर गड्डी, जरा हौले हौले भगा वरना हमारा क्राइम फाइटिंग करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। हे अभी ब्रेक पर लोड देता हूँ। जूम बू, ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दब गया। तुम ठीक तो होना संजना? आई कांट बिलीव इट, तुमने खाली हाथों से मारकर उस शेर को भगा दिया। आई एम सॉरी, कल मैंने तुम्हें गलत समझा,
और तुम्हारा मजाक उड़ाया। इट्स ओके संजना, मुझे बुरा नहीं लगा। अबे लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा लल्लू लूज़र कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को टच किया, अब तो तू गया मेरे हाथों। चटाक, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और लल्लू लूज़र संजू नहीं, तुम हो जो मुझे शेर का निवाला बनने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए थे। चटाक, अगली बार तुम या तुम्हारा कोई चमचा मेरे या संजू के आसपास मंडरा दिख गया तो इतनी सैंडल मारूंगी कि सिर गंजा और मुंह लाल हो जाएगा। अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है गुरु। ठीक है संजना, मैं चलता हूँ। रुको संजू, एक बात तो तुमसे कहनी रह गई। क्या? हैप्पी बर्थडे। क्या तुम्हारा डिनर इनविटेशन अभी भी ओपन है? यस यस, आखिर अपने यार की बात बनी गई, मुझे बाकियों को बताना होगा। डिनर के लिए कहाँ चलना प्रेफर करोगी? ग्रांड हयात होटल, वह मेरा पसंदीदा होटल है। साथियों, होटल ग्रांड हयात की इस इमारत के ठीक हमारे सामने सिटी म्यूजियम की इमारत है, जहाँ लालगढ़ रियासत के पीले बादशाह का 420 साल पुराना हरा हीरा 4 दिन के लिए रखा गया है। इंटरनेशनल चोर बाजार में इस हीरे की कीमत 100 करोड़ आंकी जा गई है। प्रदर्शनी का कल आखिरी दिन है, लेकिन हम वो हीरा आज ही चुराएंगे। अब से आधे घंटे बाद म्यूजियम बंद हो जाएगा और हमारा काम शुरू। ग्राउंड फ्लोर के रेस्टोरेंट में बिल्ला और रंगा जाकर लोगों को बंधक बनाकर हम हंगामा करेंगे। म्यूजियम की सिक्योरिटी और पुलिस का ध्यान उनकी ओर होगा और उनका फ़ायदा उठाकर मैं और छंगा यहाँ छत के रास्ते हीरा ले उड़ेंगे। फिर मेरे रंगा की फ़ोन करते ही बिल्ला और रंगा रेस्टोरेंट से किसी एक हॉस्टेज को लेकर भाग निकलेंगे। प्लान स्प्राइट की तरह क्लियर है। यस पंगा बॉस, ये लोग तो इसी होटल में वारदात करने की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ संजू संजना के साथ आने वाला है। मुझे बाकी साथियों को आगाह करना होगा। अबे मोटे, गाड़ी रोक। गर्र, इस रॉकेट के ड्राइवर की पप्पी लूंगा मैं। हाय, चांद पर पहुंच गए क्या हम? ही, इस बार ब्रेक मिल गया। हाय मेरी चौंच। थर्ड आई, सारा माजरा बाकी साथियों को बताता चला गया। कुछ समय बाद, अबे अबे उस कोई उस ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कराओ। कंट्रोल रूम, सिविल लाइसेंस एरिया में एक ट्रक सिग्नल तोड़कर रिंग रोड की ओर जा रहा है। फ्रूम राज कॉमिक्स, तो तुम खाने का ऑर्डर दो, मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। लेडी गागा, यह जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है और मेरी जेब बिल्कुल खाली। डफर, लड़की को डेट पर लाया वो भी खाली जेब। अरे मुझे क्या पता था कि तुम लोगों का प्लान चल निकलेगा। कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना। होली हेल, मेरे अकाउंट में तो क्रेडिट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा? फिर तो एक ही रास्ता है, डिनर के बाद संजू का खाना रवाना कर, संजना को रवाना करो और खुद ही होटल के किचन में बर्तन धोने में पहुंच जाओ। थैंक्स, यह सुनकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हाय अबूसा, हरकुलेस, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? होटल के बाहर गटर है जो सीधे इस वाशरूम में खुलता है, उसी से आए इसलिए इतनी बदबू मार रहे हो। पर मैंने तो साफ़ होने के लिए कमाउंड में डुबकी भी लगाई थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? किसी ने तुम लोगों को यहाँ देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। हंगामा तो वैसे ही फुल ऑन मचने वाला है यार। हम ट्रक तो यही है जो ट्रैफिक हवलदार ने बताया था, पर उसका ड्राइवर का गायब हो गया, होटल के भीतर गया होगा। सर तुम यहीं रुको, ट्रक की निगरानी करो। पांडू, मैं जरा भीतर डंडा फेर के आता हूँ। वारदात करने से पहले ही पुलिस कहाँ से आ गई? ये पुलिस वाला तो होटल की ओर ही आ रहा है। हमें फ़ौरन अपना काम शुरू करना होगा वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हिलना मत मैडम, मुझे खूबसूरत लड़कियों को गोली मारना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो यहीं खड़े खड़े दिवाली की आतिशबाजी दिखा देंगे। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि भीतर कुछ गड़बड़ है। हाय अबूसा, हरकले संभाल कर लेंगे, और साथ में लेडी गागा भी तो है, हमें म्यूजियम की चोरी को रोकने की फिक्र करनी चाहिए। थर्ड आई ने कहा था कि जैसे ही चोर म्यूजियम में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो हमें सिग्नल देगा, पर चोरी कर रोकेंगे कैसे?
चोर तो म्यूजियम की छत में घुसने वाले हैं और सामने तैनात गार्ड्स की नज़रों से बचकर म्यूजियम में घुस पाना नामुमकिन है। ट्रक के बाहर एक पुलिस वाला भी तैनात है। हम बाहर कैसे जाएं? मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। वेस आए ये ट्रक के अंदर सीटी कौन बजा रहा है? ससुरा बजा रहा है। अभी साले का बाजा बजाता हूँ। अबे कौन घुसा हुआ है बे? धू धा ढुसुम धड़ाक भड़ाक भड़ाक भड़ाक। इन बदमाशों ने मेरी संजना को गन पॉइंट पर लिया है। मुझे संजना को बचाना होगा। रुको संजू, दिमाग से काम लो। अगर भीतर जाओगे तो संजना को बचाने के बजाय तुम भी इन बदमाशों की गिरफ्त में आ जाओगे। लेकिन ये लोग संजना या बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और हरकुलिस संभाल लेंगे इनको। पंगा बॉस, इस बुलेट प्रूफ कांच के नीचे म्यूजियम के फ्लोर तक लेज़र सेंसर लगे हुए हैं। यदि हमने किसी तरह से बुलेट प्रूफ कांच तोड़ भी दिया तो कांच के टुकड़े सेंसर की रेंज में टकराते ही पूरे म्यूजियम में अलार्म बज उठेगा। अगर यहीं कहीं लेज़र सेंसर की रेंज से टकराए तो हमारे शरीरों को काट देगी। काम शुरू करने से पहले ही रोकर पनौती मत लगाया कर, हमें खुद इस रास्ते से भीतर नहीं जाना। शॉप का इस लाइन में आने से पहले मैं मधुमक्खी पालने का धंधा करता था। बरसों मधुमक्खियों को ट्रेन किया है मैंने। ये मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकती हैं। हमारे लिए चुरा कर लाएंगी हरा हीरा। लेज़र सेंसर को सेंस करके इन्हें डोज दे एकर इनके लिए कोई बड़ी डोज देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कुछ ज़्यादा तगड़ा हाथ लगा दिया है एक्शो। अब ये घंटों तक नहीं उठने वाला। गाइस ऊपर चारों चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरी ओर उनके साथियों ने होटल में संजना को बंधक बना लिया है। मैं टारपीडो हैक्सो क्रशर और बजूका बाहर नहीं निकाल सकते। अब जैसा मैंने समझाया उसी प्लान के मुताबिक सैनिक थर्ड आई लेडी गागा हरकुलिस और हायाबूसा की म्यूजियम में चोरी होने से रोकेंगे और संजू व संजना के साथ होटल में बंधक बने लोगों को बचाएंगे। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। चुपचाप सरेंडर कर दो। ज़्यादा चवड़ चवड़ मत कर वरना छोकरे की खोपड़ी हवादार बना दूंगा। चलो भाई सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। कोई खुद को सुपर हीरो समझने की कोशिश मत करो। क्या हुआ तुझे बिल्ले? हाय मेरी पैंट में घुसकर किसी ने फुटबॉल खेल डाली। अबे दिमाग खराब हुआ है क्या? चुपचाप बंदूक उठाकर काम पर लग जा वरना तेरा ही फुटबॉल बना दूंगा। क्यों बदनसीब पर जुल्म करते हो? उठा तो रहा हूँ बूहू। क्या हुआ रंगे? अबे तेरी पैंट का मार्ट होना फील्ड बदल कर मेरी पैंट में गोल कर रहा है बूहू। विस उधर देखो वो छोकरा हमारी पीछे लॉबी में घुसा हुआ है। पकड़ के लाओ से बिल्ला, मैं यहाँ लोगों को कवर करता हूँ। यह क्या किया हावाबूसा के बच्चे? अभी हम मुस्तंडा हमें नहीं छोड़ेगा। मुस्तंडे के लॉबी में घुसते ही तुम भागना शुरू कर देना संजू, बाकी मैं संभाल लूँगा। भागने मत देना साले को, पकड़ कर लाओ से बिल्ला। रुक जा का मगा, धीरे धीरे भाग, मुझसे भी दौड़ा नहीं जा रहा। ही आगे तो रास्ता बंद है, आपका हम आगेगा ताड़ धाड़ ढिसुम धड़ाक। शाबाश बिल्ला, बहुत धुलाई हो गई लौंडे की, अब पकड़ के लाओ से यहाँ। बिल्ला है सिग्नल पसली, छोकरे ने तुझे कैसे पीट दिया? मुझे पता भी नहीं चला रंगा। एक पल वो मेरे सामने खड़ा था, अगले पल क्या बिजली कौंधी ने कुछ दिखाई नहीं पड़ा, समझ ही नहीं आया। हाय बिजली की फुर्ती से धुंध दिया जालिम ने। बस बहुत हो गई कॉमेडी कॉमेडी, यह लौंडा खुद को पीटर पार्कर समझता है क्या? अब देखता हूँ इसकी बिजली की फुर्ती। बैंग, इस लड़की को मेरी गोली निशाना बनने से कैसे बचाती है? बैंग नहीं, गोली कहाँ गई? ऐसा लगा जैसे अचानक कोई चाला आकर गोली को खींच कर ले गया हो। यह कैसे हुआ?
मैंने किया। मैं बिजली गति से नायलो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत जाल फेंक सकती हूँ। गोली तुम्हारी जेब में है, हम सामने नहीं आ सकते संजू, पर जब हमने तेरी आड़ लेकर इनसे निपटना होगा। वैसे तो सारा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बकवास है, लेकिन अच्छा ही है तेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल, किंतु तू अपने साइज से बड़े कपड़े पहनता है जिसमें मैं आराम से घुस सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं तेरे कपड़ों में हूँ। अब हमारे हाथ पैर और शरीर एक साथ चलेंगे, एक्शन मैं करूँगा और देखने वालों को लगेगा कि तू फाइट कर रहा है। अबे भाई, ये तो सचमुच सुपर हीरो की तरह कुलाचा भर रहा है बे। इस मुस्तंडे को पीटूंगा मैं और सब सोचेंगे कि तू पीट रहा है। तड़ाक, सुपर हीरो है, पक्का सुपर हीरो है, इतना तेज सुपर हीरो ही मारते हैं। अबे चिल्लाना तो भूल ही गया मैं। आहा, तड़ाक, धाड़ धाड़। आजा भाई, मुझे पता था कि तू आएगा इसलिए साइड की जगह खाली कर रखी थी। हाय, मैं तो अब खुद ही सेना उठने वाला, अब तो एम्बुलेंस ही आकर उठाएगी मुझे। वाह संजू, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या एक्शन किया है तुमने, पर तुम्हारी पीठ क्यों फूल गई है? वो इस बदमाश ने तुम पर गोली चलाई थी ना, गुस्से में मेरे मसल्स फूल गए हैं। ही, वेल डन माय बॉय, पर तुमने इस बदमाश पर चलाई गोली को कैसे रोका? जी, वो गोली को मैंने नहीं रोका, शायद इस बदमाश का निशाना खराब था। गोली संजना को लगने की बजाय इसके बगल से निकल गई होगी। एनीवेज, तुम्हारी बड़ी आपराधिक घटना को घटित होने से रोककर बहुत बहादुरी काम किया है, लेकिन सर इससे भी एक बड़ी वारदात होने वाली है। रुक जा संजू, अभी म्यूजियम की चोरी के बारे में बता। हमारे साथी चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यदि सभी पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए तो चोरों के साथ हमारे साथी पकड़े जा सकते हैं और हमारा भेद खुल जाएगा। क्या हुआ, किस वारदात की बात कर रहे हो? जी वो कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि अगर ये बदमाश नहीं पकड़े जाते तो इससे बड़ी वारदात करते। यह संजू क्या हुआ, अचानक वह इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है जैसे इसने अपने कपड़ों में कुछ छुपाया हुआ है। आहा, देखा शंगा, मेरी मधुमक्खियाँ कितने आराम से लेजर सेंसर्स को धोखा देकर म्यूजियम के भीतर पहुँच गई हैं। म्यूजियम बिल्डिंग की बाहर तैनात गार्ड्स होटल हयात की ओर भाग रहे हैं। लगता है बिल्ला और रंगा अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पंगा बॉस की प्लानिंग तो तगड़ी थी, पर उसकी किस्मत में ही झोल लिखा था। बेड़ा गर्क हो गई गड़बड़। कमबख्त ने हीरे के इर्द गिर्द अदृश्य करंट का जाल बिछा रखा था। मधुमक्खियां के उससे टकराती अलार्म बज उठा है। अब गार्ड्स के साथ साथ पुलिस भी आती होगी। मैं तो कहता हूँ निकल लो पंगा बॉस। बस बस, इतनी आसानी से अपने किए गए पानी नहीं फेंकने दूंगा। बाहर से इस म्यूजियम की सिक्योरिटी को खोलकर भीतर आने में पुलिस और गार्ड्स को कम से कम 5 मिनट लगेंगे, इतना समय बहुत है हम खुद भीतर जाकर हीरा चुरा कर लाने के लिए। मुझे लेजर सेंसर्स को ऑफ करने का बटन दिखाई दे रहा है। मेरे आदेश पर मधुमक्खियाँ उस बटन को दबाकर लेजर सेंसर्स ऑफ कर देंगी। इतनी देर में हम बुलेट प्रूफ ग्लास सीलिंग को काट कर अपने भीतर जाने का रास्ता बना लेंगे। ऐसा करने में मात्र 2 से 2.5 मिनट लगेंगे और हम म्यूजियम के भीतर होंगे। फिर अगले 2.5 मिनट में हीरा लेकर छत के रास्ते बाहर निकलना है। अदृश्य करंट को बंद करने के लिए स्विच भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। अलार्म सुनकर गार्ड्स और पुलिस इंस्पेक्टर म्यूजियम की ओर आए हैं, लेकिन जब तक वे लोग भीतर पहुंच चुके होंगे तब तक चोरी करके निकल चुके होंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा थर्ड आई, तो फिर देर किस बात की, चलो एक्शन शुरू किया जाए। यह अलार्म तभी बज सकता है जब कोई हीरे को उठाने की कोशिश करे। दरवाजा तो बंद है, लेकिन यह अलार्म बजने कैसे लगा? यदि छत की ओर से कोई चोर म्यूजियम में घुसने की कोशिश करता तो लेजर रेंज से काट कर देती। इस कमबख्त कॉम्बिनेशन लॉक को खोलने में ही 5 मिनट लग जाते हैं, खोलने में ही। यह सब क्या हो रहा है संजू? पहले होटल में हमला और अब म्यूजियम में चोरी? यहाँ रुकना ठीक नहीं समझा, तुम फौरन यहाँ से निकलो। मेरा बर्थडे हम लोग फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। और तुम? अरे इन बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट भी तो दर्ज करनी है, मैं वो सब करके तुमसे मिलता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने होटल में बदमाश की गोली को अपनी ओर आते देखा था। ऐसा लगा जैसे संजू ने गोली को अपनी ओर खींच लिया हो। लेकिन संजू ने इंस्पेक्टर से झूठ क्यों कहा और अभी मुझे भगा कर यह खुद म्यूजियम की तरफ क्यों भाग रहा है? ऐसे तो सिर्फ कॉमिक्स बुक में सुपर हीरोज बिहेव करते हैं, सीक्रेट आइडेंटिटी वाले, तो कहीं नहीं संजू कोई सुपर हीरो तो नहीं, मुझे पता लगाना होगा।
हाँ, मुझे कंट्रोल पैनल का वो स्विच मिल गया है जो हरे हीरे के आसपास का फायरबॉल को संचालित करता है। इस स्विच को दबाते ही फायरबॉल बंद करके और हीरा हमारे हाथों में आ जाएगा। सोनिक जल्दी कुछ कर, मेरा शूट किया गया कांटा लेज़र रेज एक्टिव करने वाले बटन से जैसे ही टकराएगा पूरे म्यूजियम में लेज़र रेज एक्टिव हो जाएगी। आई है क्या, हो गया लेज़र रेज फिर से कैसे एक्टिव हो गई? फर्श पर लेट कर पंगा बॉस, वरना ये लेज़र बीम हमें टेलकम पाउडर बना देगी। किर बज बू, अचानक बजे अलार्म के शोर और लेज़र रेंज ने मधुमक्खियों को विचलित कर दिया। गुस्से में हम पर ही हमला कर रही हैं। हाय, हम इनको रोकेंगे कैसे पंगा बॉस? अपना काम हो गया, गार्ड्स के भीतर आ रहे हैं, अब निकलना होगा। मैंने लेज़र रेस को दोबारा बंद कर दिया है, अब इस छत के रास्ते निकल जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाय, कहाँ कहाँ काट लिया जा रहे हैं, उन्होंने सारी कायनात सुझा दी। और ये रहे, इनका तो मधुमक्खियों ने काट काट का बुरा हाल कर दिया है। इन चारों चोरों को तो पुलिस सीधे ICU में एडमिट करके रखेगी, इनके अगले कुछ महीने हॉस्पिटल में ही गुजरेंगे। तुम लोग ने तो कमाल कर दिया यारों, तेरे बिना हम ये भी नहीं कर पाते मेरे यार। अब फटाफट ट्रक में पहुंच, तेरे कपड़ों में घुसे से मेरी हालत पतली हो रही है। अरे ये कंट्रैक्टर कंटेनर का दरवाज़ा खुला क्यों है? लेज़र एस क्रशर बजूका हेडशॉट टारपीडो कहाँ गए? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कुछ गड़बड़ है, भीतर वो कागज़ कैसा है? यह तो नोट है, डॉक्टर डेडली का लिखा हुआ, इसे लेज़र एड क्रशर टारपीडो बजूका हेडशॉट को पकड़ लिया है और उन्हें शहर के बाहर कालखोरा फॉरेस्ट ले गया है। और लिखा है कि अगर तुम पाँचों भी भोर होने से पहले वारी पहुँचे तो उन पाँचों को मार देगा। नहीं, वे लोग उसका आदेश मानने को मजबूर हैं। मजबूर हो मैं नहीं, अपने साथियों को आज़ाद कराऊंगा उस दुष्ट के चंगुल से। पागलपन मत करो संजू, डॉक्टर डेडली बहुत खतरनाक है, हो सकता है वो हमें भी तुमको मारने का आदेश दे और हमें विवश करके तुम पर वार करना पड़े। वह ठीक कह रहा है संजू, तुम लौट जाओ, हम अकेले ही डॉक्टर डेडली के पास जाएंगे। वाह, तुम लोगों ने दोस्ती दोस्त होने का फ़र्ज निभा दिया और अब मेरी बारी आई तो मुझे कायरों की तरह भागने को कह रहे हो? दोस्ती का सिर्फ एक ही असूल है प्यारों, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। चलो यारों, दिखा दें उस डॉक्टर डेडली को कि दोस्ती की ताकत के सामने कोई भी दुश्मन नहीं टिक सकता। यह हुई ना बात, अब शुरू होगा एक्शन। टेन टन एन टेन टेन टन एन हम पहुंच गए हैं दोस्तों, यहाँ तो फटाफट, हाँ तो फटाफट चल रहे बाबा, मेरे को बहुत जोर का एक्शन आ रहा है। अबे वो जैकी चैन के बच्चे बेचैन चले, यहाँ कदम कदम पर डॉक्टर डेडली ने हमारी जाल बिछाया होगा। हर पुलिस सही कह रही है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। युगम धृती यस्य, अपने दोस्तों लेज़र एस हैक्सो क्रशर टारपीडो बजूका को बचाने के लिए संजू अब बाकी साथियों के साथ कालखोरा फॉरेस्ट पहुंचा। इस बात से अनभिज्ञ कि संजू के सुपर हीरो होने का राज पता करने के लिए भी संजना भी चोरी छुपे उसके कार्गो ट्रक के पीछे करते हुए वहाँ पहुँच गई थी। इतनी रात गए संजू अपना कार्गो ट्रक लेकर यहाँ बिबियान जंगल में क्यों आया है? संजू इन जंगली जानवरों के साथ जंगल में क्यों आया है? मैं तो इसे स्पाइडरमैन समझ रही थी कि यह तो जंगल का टार्जन निकला, मुझे भी इसके पीछे पीछे जाकर देखना होगा आखिर यह माजरा क्या है। सब साथ साथ का चलो सावधानी से, दो तो तेरी जेबों में ही घुसे हैं और एक कंधे पर है और एक सिर पर, और कितना साथ चले मेरे भाई। संजू तो सावधानी से बरत रहा था लेकिन संजना इस बात से अनभिज्ञ थी कि उस जंगल में हर कदम पर मौत का जाल बिछा है। ओहो खट, आदमखोर लताओं का सल सक्रिय हो उठा। संजू बचाओ, ये पेड़ मुझे खाएंगे। संजना हुआ बंटा था, इसलिए दोस्तों को सख्त लौंडा बनने की सलाह दी जाती है क्योंकि दोस्त की गर्लफ्रेंड हमेशा पनौती ही लाती है किसी को कुछ समझ पाने से पहले ही। आदमखोर लताएं की कैद में थी, अब वहाँ अकेली मुसीबत नहीं थी। भून डालो इन्हें, ये क्या है, गुंडे गोरिल्ले, जरूर इन्हें भी डॉक्टर डेडली नहीं बनाया होगा। लेकिन अब मुसीबत अकेली नहीं होती है तो उससे लड़ने के वाले भी अकेले नहीं होते। कालाखोर के उन दुर्गम वनों में आगमन हो रहा था महाबली जोंगा का। ठहरो, अपने हथियार नीचे करो, यह आदेश है तुम्हारे देवता महाबली जोंगा का। ये एक और सुपर हीरो, युगम धरित्री अस्य,
सर्वशक्तिमान भीम का अडेक अज्ञात अधूरी और टेन डेडलिस जहाँ अपनी उत्पत्ति और अस्तित्व की तलाश में सफ़र पर निकल चुके हैं, वहीं कुछ नायक ऐसे भी हैं जिनके जीवन का सफ़र एक अनजाना मोड़ ले चुका है। यही है वह कस्बा, यहाँ पर हम दुनिया की नज़रों से सुरक्षित रह सकते हैं। तुम्हें यकीन है कि यहाँ इंसान नहीं रहते? मुझे तो कस्बे में लाइट चलती नज़र आ रही है। तबाह हो चुके किंग सिटी के ये निष्कासित रक्षक जो कसम खा चुके हैं कि कभी भी नायक धर्म या ना निभाएंगे और कभी मानवता की रक्षा ना करेंगे। मैंने पूरी तरह से अपना मन पक्का कर लिया है। वैसे भी हम अपमान और जिल्लत के जो घाव अपनी आत्मा पर लेकर चल रहे हैं, उसके बाद इंसान क्या भगवान से ही भरोसा उठ चुका है? अब अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं है, कोई वजह भी नहीं है बेगा। इस कॉस्ट्यूम के बाद अब कोई मान्य नहीं रह गए हैं साथियों। जब तक हम रक्षक ही नहीं रहे तो फिर दुनिया यह हुलिया या लिबास क्यों? वैसे भी यह पोशाक मुझे अपमान का यह भयानक मंजर याद दिलाती है। यह लुक बेटर है। अगर हम गलती से किसी टकरा भी गए तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। अब किसी से नहीं टकराने वाले हम। अब इनकी जंग सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाए रखने की है। लेकिन ये तिरस्कृत नायक नहीं जानते थे कि नायकों की व्यक्तिगत विषमताओं से निकले परिणाम मानवता को सदैव प्रभावित करते हैं। कमाल है, इतना सुंदर बसाया हुआ कस्बा ऐसा बिबियान क्यों पड़ा है? घरों मकानों और दुकानों की लाइट चल रही है, सभी खिड़कियां और दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन पूरे शहर में लोग गायब हो गए हैं। हाँ, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर बसे एक दूसरे कस्बे में पूछताछ की थी। अंधविश्वासी लोगों का मानना है कि यहाँ इस कस्बे पर प्रेत बाधा है जो यहाँ के हर बाशिंदे को जीवित ली गई, इसलिए दूर दराज के कस्बों से भी कोई इस तरफ गलती से रुख नहीं करता। हम भले ही भूत प्रेतों की बातें अंधविश्वास और मनगढ़ंत हो, लेकिन इस कस्बे में कुछ तो ऐसा हुआ है कि पूरी आबादी रहस्यमय रूप से गायब हो गई है। अरे जो भी हुआ उससे हमारा क्या लेना देना? मत भूलो कि हम किसी के रक्षक नहीं हैं। अपने अंदर उठती है सुपर हीरो वाली आवाज़, तेज होने से पहले दबा दो लीजा। वेगा ठीक कह रहा है लीजा। और इस कस्बे के यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर छिपाने के लिए जगह चाहिए, सो मिल रही है। बात ख़त्म, कुछ समय ही डेरा डालते हैं। फिर मैं रास्ता भूल गई हूँ। बेगा, तुमने तो कहा था कि यहाँ इंसान क्या परिंदा भी नहीं है। तुम दोनों ने भी तो देखा था, पूरा कस्बा खाली पड़ा हुआ है। यह पता नहीं कहाँ से आ गई। मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। कितनी प्यारी और मासूम बच्ची है। मुझे लगता है कि इस कस्बे के लोग जब भागे हैं तो बेचारी पीछे अकेली छूट गई है। क्या आप मुझे मेरे मम्मी पापा के पास पहुँचा देंगे? बिल्कुल बेटा, आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी नहीं पता, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी सुने तब ना। आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा, हमें बताइए, हम आपको उनके पास ले चलेंगे। नहीं लीजा, उससे दूर रहो। ही, मेरे मम्मी पापा तो जहन्नुम में रहते हैं, मुझे ही पकड़ कर ले जा रहे थे लेकिन मैं भाग आई। ही, मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को भी अपने मम्मी पापा के पास जहन्नुम भेज दूंगी। हे भगवान, ये क्या भला है? कम ऑन गाइस, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए। मेरा भी ख्याल यही है। अब समझ में आ रहा है कि कस्बा खाली क्यों है। यह सच में प्रेत बाधा है। ये बात सामने खड़ी नन्नी मुन्नी को सुनाओ। बेकार की बातें मत करो बेगा, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम सब मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। तुम लोगों को मेरे मम्मी पापा के पास जहन्नुम जाना है। हाई डेसिबल सोनिक ब्लास्टर कंट्रोल एयर वार्टेक्स, शायद इधर सही है। यह भूत नहीं, कुछ और है। कुछ और क्या? एलियन, साइबोर्ग, रोबोट, कुछ भी हो सकती है। ट्रांसमिट पावर भी है इसके पास। बिल्कुल परफेक्ट भूतिया सेटअप किया हुआ है। नो वंडर कि भोले वाले कस्बे वाले इस पूरे शो को पैरानॉर्मल एक्टिविटी समझकर भाग खड़े हुए और स्टैन को प्रेत बाधा से ग्रस्त घोषित कर दिया। जो भी है, इतना तय है कि इसे ऑपरेट करने वाला लगातार हमारे हर एक्शन पर नज़र रखे हुआ है। यह हमारा कोई पुराना दुश्मन भी हो सकता है या फिर कोई नया अनजाना खतरा। एक्शन के लिए तैयार रहो। अब तो जो हम कर रहे हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, और साथ ही हमें ध्यान रखना भी होगा कि जब तक ज़रूरी ना हो हम अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल ना करें, और हमें सुपर हीरो के रूप में किसी भी हाल में ना है। ओह बचो लीजा, अरे मैं सही सर्व संकेतों को इसका आभास क्यों नहीं हुआ? इसका स्पर्श बहुत अजीब सा है। यह कोई सॉलिड 3D प्रोडक्शन नहीं है, ना ही यह धातु निर्मित है। इतने हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स निकल रही हैं। लेकिन यदि मेरी घ्राण शक्ति सही है
तो इसका स्रोत मानसिक ऊर्जा है। इसके एयर वॉर्टेक्स का इलाज तो मैं भी किए देता हूँ, रुक जाओ बेगा, शायद इसे संचालित करने वाला भी यही चाहता है कि हम अपनी असली शक्तियों का प्रयोग करें। अभेद का कहना सही है, इसकी मानसिक ऊर्जा का कंपन जितने उच्च स्तर के हैं वे पलभर में दिमाग की सभी नसें फोड़ सकते हैं थे। इस पूरे तमाशे के पीछे जो कोई भी है वह या तो हमें डराकर भगाना चाहता है या फिर हमारी शक्तियों को तोड़ना चाहता है। तुम्हारी शक्तियाँ मुझे भी दिखाओ ना, ही। रुक जा शैतान, मैं दिखाता हूँ तुझे तेरी शक्तियाँ। ओहो फिर गायब हो गई, शक्ति दिखाओ, दिखाओ ना शक्ति, दिखाओ दिखाओ। ओहो ओफ ही, चलो चक्री चक्री खेलो मेरे साथ, बस बहुत हो गया। हमने रक्षक बनकर इंसानों की रक्षा ना करने की कसम ली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्तियों का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए भी ना करें। यह हुई ना बात, इसे शक्ति तो दिखानी देखनी थी ना। चलो साथियों, दिखाते हैं इसे और इसको चलाने वाले को कि वास्तविक शक्ति क्या होती है। मैं प्रदर्शन शक्ति व्यर्थ शक्तियों में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि जब अभेद शक्ति का प्रदर्शन होता है तो दुश्मन का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। अभेद शक्ति कड़ुम। ओहो यहाँ सब कुछ टूट टूट कर बिखर रहा है, कस्बों की परतें से वास्तविक कस्बा निकल रहा है, लेकिन ये है क्या चक्कर? नज़रों का धोखा, इंतजाल जो इंसान की इंद्रियों को भ्रमित करता है। वास्तविक कस्बे के ऊपर अंधजाल का आवरण चढ़ाया हुआ है। यह भूतिया बच्ची, यह बवंडर, हमारा इनसे लड़ना सब कुछ इंद्रजाल था, पर इतना शक्तिशाली इंद्रजाल बनाने वाला आखिर है कौन? मैं, यानी जादूगर। जादूगर अपनी स्पेशल शक्तियों के साथ, ये भी एक सुपर हीरो है जादूगर। क्रमशः। तो दोस्तों, ये सर्वनायक स्थापत्य खंड सीरीज कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, जिसका पहला भाग था ये। और अब आगे पता लगेगा कि आखिर जादूगर का मकसद क्या है, टेड लिस्ट और जोंगा के बीच क्या होगा, अघोरी भूतनाथ के बीच क्या होगा, और अडिक वो तो आगे चला ही गया है समुद्र मंथन में। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता प्रेस करते हैं अब तक की प्रकाशित नवीन कॉमिक्स। नागरन शंगला का हलाल परवाना बाकी है, विराट पर 200 पेज से ऊपर की कॉमिक्स है। प्रलय के देवता का नाग प्रतिशोध बाकी है। बाघेलाल का थाना वहीं बनाएंगे। शुद्धिकरण श्रृंखला में उल्लंघन और महाभियोग आएंगे। रक्त श्रृंखला पूरी हो चुकी है। स्वामी भक्त रखवाले में डॉग प्रॉमिस आना है। अग्निपक्ष श्रृंखला में अग्निपथ आना है। थ्रिलर और सस्पेंस में हु रिटर्न्स। सर्वनायक विस्तार श्रृंखला में रेत का शहनशाह आनी है। सर्वनायक श्रृंखला में स्थापित खंड है। अब इसका अगला भाग आएगा सर्व प्रहार। शक्ति रूपा हो चुकी है पूरी। मैंने झापड़ मारा ध्रुव को, मैं भागो झापड़ आया आनी बाकी है। पुनरुत्थान में कालांतर, जिसका एड अब आ चुका है, कालांतर भी अब जल्दी आने वाली है कॉमिक्स। नियो श्रृंखला ट्रैप, इसके आगे का भाग अभी तक अटका पड़ी है ये सीरीज। मुझे सुपर कमांडो ध्रुव की इल्यूजन सीरीज का भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। शीलभंग श्रृंखला में अर्ध सत्य हो चुका है। अब तमस फिर मृत्यु, अभी जो पेंडिंग है सबसे ज़्यादा विसरता आतंकर्ता नागराज, बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है क्षतिपूर्ति भाग चार। मैंने मारा ध्रुव को डिफरेंट ट्रैक, सुपर कमांडो ध्रुव शेर का बच्चा डिफरेंट ट्रैक होगा। नरक नाशक नागराज शो स्टॉपर ध्रुव, हार्ट ऑफ गोल्ड गोल्ड हार्ट दोबारा आएगा। सर्वनायक सीरीज में एंट्री ले चुका है वैसे वो। एक्स चाइल्ड एक्स सीरीज, एक्स चाइल्ड भी वापस आएगा, शानदार थी इसकी सीरीज भी इसी सेट के कॉमिक। संक्रमित जावतकर सर्वनायक स्थापतकर, अगला आगामी सेट है हलाहल पर डॉग प्रॉमिस। कालांतर भी आएगी अगले सेट में। युगम धरित्री अस्य। दोस्तों, कवर पृष्ठ पे ज़्यादा सुपर हीरो दिखाए गए थे, परंतु इस कॉमिक्स में आए ओनली 9 सुपर हीरोज ही आए थे। अडिक, भूतनाथ, अघोरी, टेन डेडलिस्ट, जोंगा, वेगा, लीजा, अभेद, जादूगर।
तो ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स शो के लिए। तो दोस्तों देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।